आज हम अपने रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं का 8वीं यूनिट को ले रहे हैं। ये 8वीं यूनिट है, डी और ए ब्लॉक के तत्व, और इससे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आना है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 नंबर का एक निर्गुत्तरी क्वेश्चन है। डी और ए ब्लॉक के अंतर्गत दोनों ही ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करना है, लेकिन आज हम अभी पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व। और इन डी ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले उसकी परिभाषा, आवर्त सारणी में उसकी स्थिति, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पर आधारित उसका प्रारूपी और अप्रारूपी एलिमेंट्स, संक्रमण श्रेणी और कुछ उसके गुण लेंगे। तो संक्रमण तत्वों के गुणों के अंतर्गत हम लेंगे धात्विक गुण, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व और उसकी परमाणु त्रिज्या। तो हम देखें वास्तव में डी ब्लॉक के तत्व हैं क्या। हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि हम इस आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो इस आवर्त सारणी में पहला और दूसरा वर्ग जो है उसमें जितने भी तत्व रखे गए हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में प्रवेश करता है, एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसके बाद 13वें समूह से लेकर के 18वें समूह तक चले तो यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जब हम आवर्त सारणी का बीच वाला स्थान देखते हैं जो समूह 3 से लेकर के 12 तक है, तो इन समूह में जितने भी तत्व रखे गए हैं उन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को यदि भरना है तो टोटल उपकक्षा कितनी होती है, तो 3, एस पी डी और एफ। अब देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में हमने बताया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, पी में जा रहा है और डी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो एफ ऑर्बिटल कहाँ पर, या अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाए तो उन तत्वों को कहाँ रखा जाएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी में चूंकि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में प्रवेश करता था उन्हें आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है इसके आधार पर ही पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ब्लॉक के आधार पर कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्ष में या ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। पहला और दूसरा वर्ग जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करें एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। 13वें से लेकर के 18वें तक के समूह इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे पी ब्लॉक के तत्व। और हम अपने यदि डी ब्लॉक के तत्वों की उपस्थिति देखें तो यह एस और पी इन दोनों ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं। समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक के, यानी टोटल यदि हम वर्गों की संख्या गिने तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी यदि टोटल वर्गों की संख्या देखिए तो इसके अंतर्गत 10 वर्गों को स्थान दिया गया है। और ये 10 वर्ग के आधार पर तो आप जानते हैं कि डी उपकक्ष की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसलिए वर्गों की संख्या हो गई 10। अब हम बता सकते हैं हमारे चैप्टर के नाम का कारण कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है। हमारी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखे गए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। दूसरा, इन तत्वों को और भी कई नाम दिए गए हैं, जैसे यदि हम इन तत्वों के गुणों की बात करें कि डी ब्लॉक के तत्व में कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों के भी गुणों की बात में तुलना भी करेंगे तो देख पाएंगे कि गुणों में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो तत्व पाए जा रहे हैं उसमें यदि हमको क्रमिकता दर्शाना है तो क्रमिकता दर्शाने के लिए आवश्यक है कि डी ब्लॉक के तत्वों को इसके मध्य में रखा जाए। यानी एस ब्लॉक के जो तत्व रहते हैं वो प्रबल धन विद्युतीय प्रकृति के, जैसे जैसे पी ऑर्बिटल की ओर या पी ब्लॉक के तत्वों की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर उन तत्वों में ऋण विद्युतीय गुण पाया जाता है। तो ये धन विद्युतीय तत्वों से गुण
एकाएक ऋण विद्युतीय गुणों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो हम पाएंगे कि जब डी ब्लॉक के तत्वों को बीच में रखा गया तो ये क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी धन विद्युतीय लक्षण हमको कम होते हुए दिखाई देते हैं और ऋण विद्युतता में क्रमशः वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो डी उपकक्ष में या डी आर ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व रखे गए हैं उनमें एस ब्लॉक के तत्वों के भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और पी ब्लॉक के तत्वों के भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों के गुणों को रखा जाना कौन सी स्थिति कहलाती है, तो इस स्थिति को कहते हैं संक्रमण की स्थिति। तो ये क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे में परिवर्तन या संक्रमण को दर्शाता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को नाम दे दिया गया संक्रमण तत्व। इन संक्रमण तत्वों में यदि हम देखें तो ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से तत्वों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, जिसके आधार पर हमने डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नाम दिए। इसके बाद यदि इन संक्रमण तत्वों की तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम पाएंगे कि हमारे डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत डी ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व रखे गए हैं उन्हें सबसे पहले चार श्रेणियों में बांट दिया गया है और ये चार श्रेणियां इस आधार पर बनी हुई हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस डी ऑर्बिटल में जा रहा है। अब देखिए आवर्त डी ब्लॉक का जो पहला तत्व है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21। जब आप आपाव के रूल के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2 और 3d1। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी उपकक्षा में, इसलिए स्कैंडियम को किसके अंतर्गत रखा गया, तो हम बोलेंगे स्कैंडियम एक डी ब्लॉक का तत्व है। इस सीरीज में सभी तत्वों को देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, टोटल 10 तत्व रखे गए हैं। जब आप स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में जाइएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे 3d में हो गए 2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम में आइए, वेनेडियम में ये हो जाएगा 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम 24। यहां पर आप देखिएगा कि थोड़ा सा परिवर्तन पाया जाता है। किस प्रकार का परिवर्तन, कि 4s में वास्तव में होना चाहिए 4s में 2 और 3d में 4, लेकिन हमने इसको 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि किसी भी उपकक्षा में यदि वह आधी भरी हुई हो या पूर्ण भरी हो तो वह अधिक स्थायी होती है किसकी तुलना में, जब वह आंशिक रूप से भरी हो। जैसे यदि हम एस उपकक्षा की बात करें तो एस उपकक्ष एक इलेक्ट्रॉन होने पर या दो इलेक्ट्रॉन होने पर दोनों ही स्थिति में कैसी रहेगी, तो हम कहेंगे वह स्थायी है। क्यों, क्योंकि एक होने पर वह अर्धपूरित अवस्था में है और दो होने पर पूर्ण पूरित अवस्था में है। तो कभी भी यदि उपकक्षाएं आधी भरी हुई होती है या पूर्ण भरी होती है तो ज्यादा स्थायी। तो इसी कारण से यदि क्रोमियम को देखें तो एस ऑर्बिटल का यदि एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है तो 4s में हो जाता है 1 और 3d में हो जाता है 5। दोनों ही ऑर्बिटल ऐसी स्थिति में अर्धपूरित अवस्था में है तो 4s ऑर्बिटल भी स्थायी हो जाएगा और 3d भी का स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसलिए क्रोमियम जो है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से परिवर्तन दर्शाता है। फिर क्रोमियम के बाद आप आइएगा मैग्नीज 25, परमाणु क्रमांक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 25। मैग्नीज के बाद आयरन 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 3d6। देन कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद निकिल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 4s2 3d8। देन आता है कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29।
यदि अपन कॉपर को देखें तो फिर आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी, कैसे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपव के रूप के अनुसार होना चाहिए 4s2 और 3d9। लेकिन 4s जब अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है तो ऐसी स्थिति में 4s1 अर्धपूरित अवस्था, 3d10 पूर्ण पूरित अवस्था, दोनों ही ऑर्बिटल स्थायी हो जाएंगे। और इसके बाद कॉपर के बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो है जिंक। 30 परमाणु क्रमांक 30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो वो होता है 4s2 3d10। इसका मतलब इन सभी तत्वों को देखें तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह डी उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है। डी उपकक्ष में कहां से कहां तक, तो आप देखिएगा 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा 4s क्या हर स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है क्या, तो हम देख पाएंगे कि क्रोमियम और कॉपर इन दोनों परमाणु में 4s2 ना होकर के 4s1 है। इसलिए जब हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS। N क्या है, तो किसी भी परमाणु में हमने 11 में पढ़ा N जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, कक्षाओं की संख्या। तो सबसे बाहरी कक्षा क्या है, 4। तो इसे यदि हम N माने तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, यदि हम 4 को N मानते हैं तो 3 उससे जस्ट पहले वाली हुई, इसलिए 3 को हम कहेंगे N-1। यानी बाहरी कक्षा में से यदि एक कक्षा को हटा दिया जाए तो वह उपांतिम कक्षा को प्रदर्शित करेगी। तो हम देखें बाह्यतम कक्षा हुई N, उसमें S में या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1 भी इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। यानी आप इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा संक्रमण तत्वों का N-1d 1 से 10 और NS 1 से 2, ये कहलाएगा संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम यदि देखें तो हमारे पहले वाले, जब पहले श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इस श्रेणी में एक तत्व आ रहा है जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4s2 3d10। यानी यदि हम देखें तो डी उपकक्ष तो पूर्ण भरी हुई है, जब डी उपकक्ष पूर्ण भरी है तो वास्तव में उसे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा बताते हैं कि अंतिम 2 कक्षा अपूर्ण होनी चाहिए। तो अंतिम कक्षा 4s तो अपूर्ण है क्योंकि 4s के बाद आएगा 4p 4d और 4f, तो बाह्यतम कक्षा तो अपूर्ण है। लेकिन जब हम तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं यानी उपांतिम कक्षा की बात कर रहे हैं तो उस उपांतिम कक्षा में डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जिससे उपांतिम कक्षा पूर्ण भरी हो गई। अब पूर्ण भरी होने के कारण इस जिंक को डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। फिर भी इसे क्या किया है, आवर्त सारणी में यदि हम देखें तो डी ब्लॉक का लास्ट वाला तत्व है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सभी में यही कैरेक्टर पाए जाएंगे। बाह्यतम कक्षा में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन उन्हें डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया। ये जो डी ब्लॉक के तत्व रहेंगे वह अपने सामान्य गुणों से कुछ परिवर्तन शो करते हैं, इसलिए हम इनको टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कह सकते, प्रारूपी संक्रमण तत्व इसे नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या किया गया, तो डी ब्लॉक के तत्वों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक कैटेगरी कहलाती है प्रारूपी या टिपिकल संक्रमण तत्व और दूसरी कहलाती है अप्रारूपी या नॉन टिपिकल संक्रमण तत्व। वे सभी संक्रमण तत्व जो सामान्य डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन सभी तत्वों को कहा गया प्रारूपी या टिपिकल संक्रमण तत्व, और जो इन गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं उन्हें कहा गया अप्रारूपी यानी नॉन टिपिकल। तो नॉन टिपिकल के अंतर्गत आ जाएंगे जिंक, कैडमियम,
और मरकरी, ये कहलाएंगे हमारे अप्रारूपी संक्रमण तत्व। और यहाँ पर ध्यान देने की बात भी है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी किया जाता है कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो सामान्य संक्रमण तत्वों के गुण नहीं दर्शाते हैं, तो आप उसका कारण किस आधार पर बताएंगे? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कि इनमें उपांतिम कक्षा पूर्ण भरी होने के कारण ये सामान्य संक्रमण तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम देखें तो इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, किस कक्षा के डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसके आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व श्रेणी। इनके हम इन संक्रमण श्रेणियों के पहले तत्वों की बस बात करेंगे, जिससे आपको श्रेणी के बारे में, बाकी तत्वों में आपने देखा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। तो यदि हम देखें तो स्कैंडियम में हमने देखा अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश करता है 3D में, और 3D में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद टाइटेनियम में यह इलेक्ट्रॉन हो जाता है 2, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक में लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम पहले वाली श्रेणी की बात करें तो इनमें सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है 3D में, इसलिए इस श्रेणी का नाम दे दिया गया 3D संक्रमण श्रेणी, या हमारे डी ब्लॉक के तत्व की यह प्रथम श्रेणी है, इसे इसलिए प्रथम संक्रमण तत्व या 3D संक्रमण श्रेणी कहा गया है। क्या है तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? संक्रमण तत्व की श्रेणियों। दूसरा, प्रथम संक्रमण तत्व की और क्या श्रेणी की क्या विशेषता? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में प्रवेश करेगा 3D उपकक्ष में, 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यह श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होकर के जिंक तक जाएगी। स्कैंडियम से प्रारंभ हो रही है और इसका अंतिम तत्व है जिंक। दूसरी संक्रमण श्रेणी तो दूसरी है, इसलिए हमने उसे कह दिया द्वितीय संक्रमण श्रेणी। जब इस संक्रमण श्रेणी के तत्वों को देखें, हम पहले तत्व की बात करें, इट्रियम इसके अंतर्गत रखा है, इट्रियम 39। इस इट्रियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 4D में एक इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इनके बाकी तत्वों की बात करेंगे, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथियम, रोडियम, तो सभी में यदि हम देखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? 4D में 1 से लेकर 10 तक। तो चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। और ये जो 4D संक्रमण श्रेणी है, ये शुरू होती है इट्रियम से और इसका लास्ट तत्व जो है वो है कैडमियम। इसके बाद हम जब तीसरे वाली श्रेणी में जाते हैं, तीसरी है तृतीय संक्रमण श्रेणी। कौन से आवर्त में इसको स्थान दिया गया? तो ये हमारे आवर्त सारणी का छठवां आवर्त है, छठवें आवर्त में इसे रखा गया है। इस छठवें आवर्त की या जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, इसमें विशेषता है, थोड़ा सा बाकी सभी श्रेणियों से अलग है। देखिए, जब हम इन तत्वों में देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश करता है 5D में 1 से लेकर 10 तक, इसलिए इस संक्रमण श्रेणी का हम दूसरा नाम देंगे 5D संक्रमण श्रेणी। लेकिन जब आप इसके पहले और आखिरी तत्व की बात करते हैं तो पहले और आखिरी तत्व में थोड़ी सी हमको भिन्नता दिखाई दे रही है। वो है, पहला तत्व लैंथेनम तो है, लेकिन लैंथेनम के बाद के 14 परमाणु क्रमांक आपको इस स्थान पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये 14 एलिमेंट कहाँ है? तो वास्तव में यदि इन 14 एलिमेंट को देखें तो इन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा था, इसलिए यह बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से समानता नहीं दर्शा पा रहे थे,
आवर्त सारणी के बाहर इन्हें F ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा गया है। तो आप इसकी शुरुआत को बताएंगे लैंथेनम से, लेकिन लैंथेनम के बाद अगला तत्व जो हैफनियम रहता है वहां से परमाणु क्रमांक में क्रमिकता रहेगी और ये क्रमिकता लास्ट होगी मरकरी में। तो लैंथेनम और हैफनियम के बीच का जो परमाणु क्रमांक का गैप है वो किसके कारण है? 14 एलिमेंट लैंथेनम के बाद के तत्व है, इसलिए अपन उसको नाम लेते हैं लैंथेनाइट। इसी प्रकार से आप आगे चलिए, जब हम अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट को सातवें आवर्त में देखें, जिसे अपन चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कह रहे हैं, इस चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 6d उपकक्ष में। ये 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी कुछ विशेषता है, 6d में प्रवेश कर रहा है, इसलिए चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का नाम रख दिया गया 6d संक्रमण श्रेणी। इस संक्रमण श्रेणी के बारे में यदि देखें तो इसमें भी पहला तत्व तो है एक्टिनियम, लेकिन एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं वो लगातार एक के बाद एक क्रमिकता से नहीं है। हम देखें एक्टिनियम के बाद अब जो है वो रदरफोर्डियम है, और रदरफोर्डियम से जब आप आखिरी तत्व तक जाते हैं तो वहां पर लिखा है यू बी। ये किसको दर्शाता है? तो आप देखिए, ये ऐसे तत्व जिनकी वर्तमान समय तक खोज नहीं हुई है, लेकिन वहां पर आवर्त सारणी को उसे स्थान दिया गया, तो उसे स्थान दिया गया इसलिए उसका परमाणु क्रमांक वही होना चाहिए। तो लास्ट वाला तत्व का परमाणु क्रमांक होना चाहिए 112, इसलिए 1 के लिए यूज किया जाता अन और 2 के लिए बाइयम। तो लास्ट वाला तत्व क्या है? अन बाइयम। लेकिन अभी इसकी खोज नहीं हुई है, केवल उसके आपको कैरेक्टर आवर्त सारणी के बाकी तत्वों के आधार पर बताए गए हैं, यानी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी अभी अपूर्ण है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में भी देखिए एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट हैं वो यहाँ पर नहीं है। ये 14 तत्व भी सेम वैसे ही लैंथेनम के बाद के समान के 14 तत्वों के समान है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकक्ष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें भी आवर्त सारणी के बाहर F ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत रखा गया है। एक्टिनियम से शुरू होता है, इसलिए इन श्रेणी के तत्वों को या इन 14 तत्वों को एक्टिनाइड या एक्टिनोन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अपने टॉपिक के दूसरे हिस्से में इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा संक्रमण तत्वों की श्रेणी। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यह आधारित है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है। उसके आधार पर हमने संक्रमण श्रेणी को 4 श्रेणियों में बांटा। प्रथम संक्रमण श्रेणी वे हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकक्ष में प्रवेश करता है, स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक चलती है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो कि हमारे चौथे आवर्त की है, इट्रियम से शुरू हो रही है और कैडमियम तक 10 तत्वों की श्रेणी है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d उपकक्ष में जा रहा है, इसलिए इसे 4d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी छठवें आवर्त में व्यवस्थित है, लैंथेनम से शुरू होती है, लेकिन लैंथेनम के बाद परमाणु क्रमांक में क्रमिकता नहीं हो रही है, वो लैंथेनाइड्स के कारण है। तो हमारी लैंथेनम के बाद हमारी संक्रमण श्रेणी शुरू होती है हैफनियम से और मरकरी पर अंतिम तत्व है मरकरी। इसके बाद अगली संक्रमण श्रेणी है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जो आवर्त सारणी में सातवें आवर्त में रखी गई है। अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है 5d में। इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉनों को देखें तो एक्टिनियम के तत्वों को देखें तो एक्टिनियम के बाद ये रदरफोर्डियम से शुरू होती है और अनबाइयम पर अंतिम तत्व इसका अनबाइयम है, जो अभी तक खोजा नहीं गया है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6d उपकक्ष में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे 6d संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टर है, जितने भी संक्रमण तत्व है अपन उसको कहते हैं संक्रमण धातु, और उसका कारण है उसमें धात्विक गुण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धात्विक गुणों के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? धातु में तन्यता का गुण होता है, उच्च तनन सामर्थ्य होती है,
आघात वर्धिनीता का गुण रहता है। ये सभी गुण कहलाते हैं धातु गुण। तो यदि हम संक्रमण तत्वों की श्रेणियों के बारे में देखें या संक्रमण तत्वों के बारे में देखें तो उनमें सभी धात्विक लक्षण पाए जाते हैं और इन धात्विक लक्षणों का पाए जाने का हमको कारण देखना है कि आखिर ऐसा क्या है जो संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रबल धात्विक लक्षणों का कारण है इन संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम देख रहे हैं इन तत्वों में बाह्यतम कक्षा पूर्ण है और उससे पहले वाली भी कक्षा पूर्ण है। बाह्यतम कक्षा यानी ns जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ये कहला रही है अंतिम कक्षा, और इससे पहले की कक्षा अंतिम से पहले कक्षा कहलाती है उपांतिम कक्षा। तो यदि हम उपांतिम कक्षा को भी देखते हैं तो n-1 में भी d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। दोनों ही कक्षाएं कैसी हैं तो हम कह रहे हैं या आंशिक रूप से भरी हैं या अपूर्ण हैं। जो ns के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह धात्विक बंध का निर्माण करते हैं और n-1d यानी उपांतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन रहते हैं यह dd संक्रमण के कारण सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से हम तत्वों में जानते हैं कि केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन यदि इन तत्वों में देखें तो यहाँ पर अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं यानी ns के इलेक्ट्रॉन वो धात्विक बंध का निर्माण कर रहे हैं और n-1d के इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध के निर्माण में भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों प्रकार के बंधों के कारण ये जो तत्व रहते हैं इनके परमाणुओं के बीच में प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं और प्रबल धात्विक बंध के कारण ही इनमें सभी धात्विक लक्षण दर्शाए जाते हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो कुछ तत्व ऐसे भी रहते हैं जैसे धातु का एक गुण रहता है कठोरता। हम कठोरता किसी भी धातु में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से कठोरता को समझा सकते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, यहाँ से यदि स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है और उसके बाद यदि हम देखें तो फिर इनकी संख्या में युग्मन होने के कारण कमी आती जाती है। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो रहता है क्रोमियम और मैंगनीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है क्रोमियम में, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए दूसरे परमाणु के साथ सरलता से बंध बनाते हैं और यही कारण है कि इनमें बंध बनाने की क्षमता या धात्विक कैरेक्टर बहुत ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन यदि हम जिंक की बात करें, जिंक कैडमियम या मरकरी में, तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। युग्मित होने के कारण इन तत्वों के बीच में बंध बनाने का जो कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, इसलिए इसमें धात्विक लक्षण में भी लगातार कमी आती जाती है। यानी मध्य वाले तत्व रहते हैं वो प्रबल धात्विक लक्षण को दर्शाते हैं। इन धात्विक गुणों के बाद दूसरा जो गुण है वह है इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक के आधारित है बंधों पर। आप जानते हैं गलनांक या क्वथनांक कौन सा तापमान जिस पर बंधों को तोड़ा जाए, चाहे तत्व को या पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाएं या द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन किया जाए, उनके बीच के जो बंध रहेंगे उन्हें तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बंधों को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, तापमान, और तापमान देने पर ये बंध परस्पर टूटेंगे जिससे वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पहले परिवर्तित हो जाएगा। जिस तापमान पर ठोस अवस्था से वह द्रव अवस्था में आएगा वह उसका गलनांक कहलाएगा और जिस तापमान पर वह द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा वह कहलाएगा उसका क्वथनांक। तो यदि हम संक्रमण तत्वों के बारे में देखें तो यहाँ पर इनके गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं और उसका कारण है उनमें पाए जाने वाले प्रबल धात्विक बंध। इन प्रबल धात्विक बंध के कारण हमें इन धात्विक बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा तापमान देने की आवश्यकता होती है। बहुत देर तक गर्म करेंगे, उच्च तापमान तक गर्म करेंगे, जब तब ये धात्विक बंध टूटते हैं।
यदि हम इन तत्वों में देखें के ग्राफ की प्राप्ति होती है। इस ग्राफ में यदि हम देखें तो मैग्नीज जो है वो अर्धपूरित अवस्था में होने के कारण और कॉपर ये अपन दर्शा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और ये है उसका एटॉमिक नंबर। तो जब हम एटॉमिक नंबर के साथ तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट में परिवर्तन को देखते हैं तो परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है आप देखिएगा कि गलनांक का मान पहले तो बढ़ता है लेकिन जब मैग्नीज का केस ले रहे हैं तो वहां पर ये जो गलनांक है वो काफी कम हो जा रहा है और कॉपर में भी यही स्थिति पाई जा रही है। इसका कारण क्या है तो मैग्नीज और कॉपर की स्थायी अवस्था आप जानते हैं कि मैग्नीज में भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अर्धपूरित अवस्था है और कॉपर में डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पूर्णपूरित अवस्था हो गई। इसलिए स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण ये अन्य परमाणुओं से क्रिया नहीं करना चाहते हैं बंध नहीं बनाना चाहते हैं जिससे इनके गलनांक और कथनांक का मान कम हो जाता है। तो मैग्नीज किसी भी श्रेणी में जिस प्रकार से मैग्नीज में है ऐसी टेक्नीशियम में रेनियम में और बोरोनियम जिंक कैडमियम और मर्करी ये सभी 7 तत्वों में गलनांक में जो अचानक से गिरावट दिखाई देती है उसका कारण उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अर्धपूरित और पूर्णपूरित अवस्था। फिर तीसरा संक्रमण तत्व का श्रेणी का जो गुण देखना है वह है उसका घनत्व या परमाणु का आयतन संक्रमण श्रेणियों में घनत्व का मान बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः इसमें वृद्धि हो रही है घनत्व में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो वृद्धि हो रही है उसका कारण है उसके परमाणु के आयतन में होने वाली कमी। अब हम इसका कारण देखें कि क्या कारण है कि स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर घनत्व का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं आप देखिएगा सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है यानी कक्षा की संख्या स्थिर हो गई। और परमाणु क्रमांक की यदि बात करें तो परमाणु क्रमांक में क्रमशः एक एक वृद्धि होती जा रही। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि का अर्थ है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। जब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो इसे ही हम कह सकते हैं कि नाभिक के द्वारा जो लगने वाला आकर्षण बल है इसका मान भी बढ़ रहा है। जब नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला आकर्षण बल में वृद्धि हो जाएगी और ये वृद्धि कक्षा की संख्या स्थिर होने के कारण अधिक है। यदि कक्षा की संख्या बढ़ती तो प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का मान घटता लेकिन कक्षा की संख्या स्थिर है और परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि हो रही तो आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है और नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने के कारण ही बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि होगी। जैसे जैसे उनकी क्षमता में वृद्धि हुई परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। परमाणु का आकार छोटा हो गया है यानी उसके आयतन में कमी हो गई और घनत्व का मान भी क्रमशः बढ़ते जाएगा। तो ये हमने देखा संक्रमण तत्वों का तीसरा कैरेक्टर जो था उसका घनत्व या परमाणु का आयतन। इसके बाद जो लास्ट है संक्रमण श्रेणी का चौथा गुण गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन आज के चैप्टर के लिए लास्ट है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या भी सेम घनत्व पर आधारित है उसका कारण भी यदि हम देखें तो परमाणु त्रिज्या में क्या हो रहा है तो यदि हम आवर्त की बात करते हैं
तो आवर्त में क्रमिक रूप से परमाणु की त्रिज्या घटती है। अंतिम जो तत्व है उनमें परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी और उसका कारण है परिरक्षण प्रभाव। लेकिन यदि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है। इसी के यदि हम वर्ग की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर यानी स्कैंडियम से एक्टिनियम की ओर या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होगी। अब हम इन दोनों का कारण देखें कि क्या कारण है कि परमाणु की त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो इनका कारण होता है पहला तो कक्षा की संख्या, दूसरा नाभिक की आकर्षण बल और तीसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। इन तीन कारणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घट क्यों रही है या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि क्यों हो रही है। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यदि अपन कक्षा की संख्या की बात करें तो कक्षा की संख्या का मान स्थिर है। सभी में अंतिम कक्षा तीसरी है और जो प्रोटॉन है उनके द्वारा इस तीसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल लगाया जाता है। जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन कक्षा की संख्या स्थिर है। तो कक्षा की संख्या स्थिर होने के कारण नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल का मान लगातार बढ़ते जाता है और इस कारण परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। दूसरा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्यों वृद्धि हो रही है, तो इसका कारण देखें कि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ रही है। आपने यहाँ पर लिखा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, फिर उसके बाद बात किया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है, 5D में जा रहा है, 6D, और वास्तव में तो अंतिम कक्षा क्या हुई, तो यहाँ पर 7वीं है, 6वीं, 5वीं और 4थी। ठीक, इसमें भी हमने देखा है तीसरी नहीं चौथी कक्षा रहेगी। तो जब हम स्कैंडियम से एक्टिनियम की ओर जाते हैं तो वहां पर कक्षा की संख्या लगातार बढ़ती जाती और कक्षा की संख्या लगातार बढ़ने से नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल का मान घट रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि जब इनको देखें तो यहाँ तो परमाणु क्रमांक में एक एक की वृद्धि हो रही थी, यहाँ तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने जो वृद्धि हो रही है वो ज्यादा हो रही, तो जब ज्यादा हो रही तो नाभिक के आकर्षण बल भी अधिक बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका कारण क्या है, जब आप बाएं से दाएं चलते हैं तो कक्षा की संख्या स्थिर है यानी इलेक्ट्रॉन की दूरी वही की वही है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहां पर कक्षा की संख्या बढ़ने से एक प्रोटॉन जो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था एक कक्षा और बढ़ गई तो डिस्टेंस का मान और ज्यादा हो गया, यानी दूरी की तुलना में लगने वाला आकर्षण बल है उसके मान में कमी आ रही। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रमशः परमाणु त्रिज्या के वृद्धि होने का कारण कक्षा की संख्या में वृद्धि है और नाभिक के आकर्षण बल में कमी। यहाँ पर हमने एक और प्रभाव लिखा वो है परिरक्षण प्रभाव। ये परिरक्षण प्रभाव क्या है, तो बाहर की जो कक्षा रहती है उसके इलेक्ट्रॉन का मध्य में पाई जाने वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन द्वारा रक्षा करना। कैसे, कि प्रोटॉन जो है वो बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन बीच में जो कक्षाएं पाई जा रही हैं उनमें क्या मौजूद है, तो उनमें मौजूद है इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, समान आवेश ऋण आवेश है, ऋण आवेश है तो क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी नाभिक उसे खींच रहा है और मध्य की कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसको धकेल रहे हैं बाहर की, तो नाभिक के आकर्षण बल का मान घट जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण भी यदि हम देखें तो कक्षा की संख्या में जो वृद्धि हो रही है परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि हो रही है और नाभिक के आकर्षण बल में कमी हो रही है। तो इन तीनों कारणों से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है वो लगातार बढ़ती है। लॉक के तत्व के अंतर्गत आज के लेक्चर में हमने लिया लॉक के तत्वों की परिभाषा, उसके आवर्त सारणी में स्थिति, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें
अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उन तत्वों को रखा गया है डी ब्लॉक के अंतर्गत। हम यदि आवर्त सारणी में इसकी स्थिति देखें तो आवर्त सारणी में इसे एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में स्थान दिया गया है। एस और पी ब्लॉक के मध्य में स्थान देने का कारण यह है कि इसमें गुणों में संक्रमण पाया जाता है, यानी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाने पर कैसे धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण या दूसरे गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाने का काम इन तत्वों के द्वारा किया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं और परिवर्तन को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विशेषता पाई जा रही है, बाह्यतम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले वाली कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम और उपांतिम या हम कह सकते हैं लास्ट टू कक्षा जो है वो अपूर्ण है। इन तत्वों के को दो कैटेगरी में बांटा, प्रारूपी और अप्रारूपी। प्रारूपी तत्व वे हैं जो संक्रमण तत्व के सामान्य गुणों को दर्शाते हैं, यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के कारण जितने गुण होंगे, या डी उपांतिम कक्षा जो है उसके अपूर्ण होने के कारण जितने गुण रहेंगे वो सभी गुण प्रारूपी संक्रमण तत्व द्वारा दर्शाए जाते हैं। लेकिन जो अप्रारूपी संक्रमण तत्व है उनमें यदि हम देखें तो इनमें तीन तत्वों को रखा गया है, हमारे संक्रमण श्रेणियों के आखिरी तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तत्वों को इसलिए अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा गया क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करने से डी टेन हो जाता है और डी टेन होने के कारण वह कक्षा पूर्ण भर जाती है। पूर्ण भर जाने के कारण हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी लास्ट टू कक्षा जो है वो अपूर्ण है, इसलिए इनके जो कैरेक्टर है वो भी यदि देखें तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़े से डिफर है, इसलिए हमने उसे कैटेगरी में रख दिया गया अप्रारूपी तत्व। चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जा रहा है इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के अंतर्गत ही रखा जाना उचित है। फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस डी उपकक्ष में जा रहा है उसके आधार पर हमने डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण श्रेणियों में बांटा। ये संक्रमण श्रेणी किस आधार पर है, ये हमारी आवर्त सारणी में चौथे पांचवें छठवें और सातवें आवर्त में रखी गई है। चौथे आवर्त में जो संक्रमण श्रेणी है उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन थ्री डी उपकक्ष में प्रवेश करे थे, इसलिए अपन ने उसे नाम दे दिया था थ्री डी संक्रमण श्रेणी। चौथे में जो पांचवें आवर्त में रखी थी उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश किया था, 4D संक्रमण श्रेणी। छठवें आवर्त में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश किया था, 5D संक्रमण श्रेणी। और सातवें आवर्त में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकक्ष में प्रवेश किया था, इसलिए 6D संक्रमण श्रेणी। इसके अलावा यदि हम देखें तो संक्रमण तत्वों के गुणों के अंतर्गत हमने देखा कि उनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, प्रबल धात्विक बंध के कारण ही वह जितने भी धातु के कैरेक्टर है आघात वर्धनीयता, उच्च तन्यता और गलनांक और क्वथनांक का उच्च होना, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। जब आवर्त संक्रमण तत्वों की स्थिति देखें कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता है तो बाह्य से दाएं जाने पर इनकी त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, परमाणु भार में वृद्धि होती जाती है, इसलिए इसके घनत्व का मान बढ़ते जाता है। परमाणु त्रिज्या यदि देखें तो संक्रमण श्रेणियों में परमाणु त्रिज्या का मान कम होते जाता है, क्यों, क्योंकि कक्षा की संख्या स्थिर होने से नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ रहा है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ रहा है और उसका कारण है कक्षा की संख्या का लगातार बढ़ना, साथ में परिवेक्षण प्रभाव का बढ़ना और इन दोनों कारणों से प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का कम होना। इस संक्रमण तत्व के चैप्टर में से एक नंबर और चार नंबर के दो क्वेश्चन आना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तैयारी कर सकते हैं और चार नंबर वाले प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्यों अप्रारूपी संक्रमण तत्व है, परमाणु त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वह वर्ग और आवर्त में क्यों अलग अलग तरीके से परिवर्तित होता है, या आपसे यहाँ गलनांक और क्वथनांक से संबंधित एक क्वेश्चन कर सकता है कि क्रोमियम और कॉपर मैंगनीज और कॉपर इनके गलनांक और क्वथनांक अन्य तत्वों की तुलना में काफी कम है तो उसका कारण क्या है, हमने देखा था उसका कारण क्या है उनके अर्धपूरित या पूर्णपूरित डी ऑर्बिटलों का पाया जाना। तो इस प्रकार से आप ये डी ब्लॉक के एलिमेंट